धान की जो बीमारी उग्र रूप ले रही है वो उसको हम लोग फॉल्स स्मट या आप लोग हल्दी रोग भी कहते हैं, ये इसको कंडवा रोग भी कहा जाता है। इस रोग के लक्षण बालियों पर दिखाई देते हैं। बालियों में पहले नारंगी रंग के ये बॉल बनते हैं, जो बाद की अवस्था में ये गहरे हरे रंग के या काले रंग के हो जाते हैं। ये जो बीमारी है पौधों में दानों को तो प्रभावित करती ही है, बाद में इसके गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। ग्रसित पौधों में सारे जो बाली में दानों का रंग है वो काला हो जाता है। अगर आपके खेत में पूर्व में ऐसे रोग आते रहे हैं, दिखाई दिया है, तो आप उस अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप छिड़काव कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। आप जो है प्रोपीकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं, और टेबीकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन का मिक्सचर आप 0.5 से 0.8 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई, आप लोग ध्यान दें, आप खेत की निगरानी करते रहें, और अगर खेत में पौधों में अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो अगर ये लक्षण 2 से 5 पौधे प्रति वर्ग मीटर की अवस्था में है, तभी आप इन कवकनाशियों का छिड़काव करें। इनका छिड़काव करते समय आप शाम का समय उपयुक्त है। धान का दूसरा रोग जो इस समय खेत में दिखाई देता है उसको शीत ब्लाइट या अच्छा झुलसा भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण पानी की सतह पर, जमीन की सतह पर जहाँ पे पौधा जमीन से लगा होता है वहाँ पे शीत पर दिखाई देते हैं। अच्छा झुलसा में शीत पर गोलाकार, अंडाकार, दीर्घ वृत्तीय, अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो कि बाद में मिल जाते हैं और बाद की अवस्था में पत्तियों तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आपके खेत में शीत ब्लाइट की समस्या है, ये आप उस अवस्था में आप वेलिनामाइसिन 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आप खेत में जो अवांछनीय खरपतवार है उनको नियंत्रित रखें तो फ़ायदा होगा, और आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।